हलवा पूरी स्टाइल छोले बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, उसमें जो छोले बनते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा चेंज स्टाइल में बनते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं बनते कि जिसमें आपका टमाटर भी जा रहा है तो आपका जो है ना वो प्याज भी जा रहा है, आपका खूब मसाले वाला नहीं। आपने देखा होगा कि वो छोले और आलू किस तरीके के होते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, मैं दोनों चीज़ें ना जो बनाने जा रही हूँ वो सरसों के तेल में बनाने जा रही हूँ इस दफ़ा, थोड़ी चेंज स्टाइल में। ठीक है, तो सरसों का तेल पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, ये मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें जो है ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा, जीरा मैं डालूंगी थोड़ा सा, ये देखिए जीरा थोड़ा सा कड़कने लगेगा तो फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालूंगी। ठीक है, जीरे को थोड़ा सा कड़कने दें उसके बाद। अब मुझे इसमें सरसों के तेल की बहुत ही सौंधी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और जीरा हमारा कड़कने लग गया है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, अदरक लहसुन जो है हमारा थोड़ा सा वो हो चुका है। अब हम क्या डालेंगे इसमें, अब हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल ली थोड़ी सी, जल्दी जल्दी डालें ताकि मसाले जलने ना लग जाए। हम डालेंगे अब हल्दी, हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें और यही छोले मैं इसमें डाल दूंगी। छोलों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। देख सकते हैं इसका मसाला कितना अच्छा हुआ है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के जो है मैंने इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी ताकि इसमें मेरे छोले अच्छे खासे गल जाए। तेज आंच कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नमक मैंने नहीं डाला, मैं नमक डाल लेती हूँ आप लोग के सामने। नमक मैं डालूंगी हसबे जायका, आपकी मर्जी, आपको जितना भी डाल लो, मैं अपने हिसाब से डालूंगी। सही, मैंने नमक डाल दिया इसमें, इसको भी मिक्स कर लूंगी और जनाब थोड़ी सी हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। ये पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च मैं डालूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं अच्छे से गलाऊंगी चनों को, और मेरे चने जो है ना वो जो है ना ऐसे वाले गले में है कि बहुत नरम भी नहीं है, बहुत सख्त भी नहीं है, और उसमें हल्के हल्के से नरम छोले अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सख्त वाले छोले अच्छे नहीं लगते हलवा पूरी छोले वाले में। तो मैं अब इसको जो है ना ढक के रख दूंगी हल्की आंच पे, छोले अच्छे से गला लूंगी ताकि इनका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। आप लोग देख सकते हैं चने के जो है ना मैंने पानी में डाला था तो गल गए थे, मैंने इनको चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे हल्का हल्का से तोड़ दिया ताकि हमारे चने जो है ना वो नरम हो जाए। तो यहीं पर हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है। अब मैं इसको थोड़ा गार्निश कर दूं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमारा हलवा पूरी स्टाइल छोले तैयार है। इसमें मैं धनिया डाल देती हूँ, तो ये मज़ेदार सी हलवा पूरी स्टाइल छोले की रेसिपी हमारी तैयार है। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हलवा पूरी स्टाइल पूरे रेसिपी के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।